हाय गाइस, माय नेम इज़ इब्रार एंड वेलकम टू सीपी टेक। गाइस, आज हमारे पास रिव्यू के लिए हैं वीआर ग्लासेस, वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस। अब ये क्या है और इनका क्या यूज़ है, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए अब इसको अनरैप कर लेते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। नीचे ये मैंने इसको अनरैप कर लिया और ये मैंने बाइट्स डॉट पी के से परचेज़ किया इसको। ये जो इनके पैम्फलेट है, एडवर्टाइजमेंट एड, और ये इनका फाड़ होता है, इसको रखते हैं साइड पे। अब देखते हैं हमारे पास बॉक्स में क्या है। ये है बॉक्स और इसके अंदर कुछ नहीं है, ये खाली है। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वी आर, जैसे कि आप देख सकते हैं वी आर लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी वी आर लिखा हुआ है। यहाँ पे बाइट्स डॉट पी के लिखा हुआ है और कुछ नहीं, और सिंपल है। चलिए इसने कैसे ओपन होना है, ये देखिए। अच्छा जी, ये कुछ डॉक्यूमेंट नहीं, सॉरी, ये इनवाइस है कि कितने के मैंने इनको परचेज़ किया, आप देख सकते हैं। इनकी प्राइस है 3000 पीस और इसमें मुझे इस बार कोई डिस्काउंट नहीं मिला। इसको रखते हैं साइड पे। और ये इसका यूज़ का है कि किस तरह इसको यूज़ करते हैं, एक छोटा सा मैनुअल दिया गया है, ये देख सकते हैं आप। और ये पीछे वाली साइड, सॉरी, और ये कुछ दिए गए हैं, टिप्स वगैरह दी गई हैं। ये उनके लिए होती हैं अगर आपका मोबाइल फिट नहीं आ रहा इसके अंदर, तो ये फिर आपको इसका यूज़ भी बताऊंगा। अगर मेरा मोबाइल फिट ना आया तो ये उसके अंदर आप ऐड कर सके, तो मोबाइल को फिट कर सकते हैं। तो इसको रखते हैं साइड पे। ये एक हमें फाइबर क्लॉथ दिया गया है लेंस को साफ करने के लिए, इसको भी रखते हैं साइड पे। और ये रहा है हमारा वीआर ग्लास, देखिए। और बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है, हम बॉक्स को साइड पे रखते हैं। चलिए इसको भी ओपन करते हैं, बल्कि ये ओपन ही है, ये देखिए। ये रहा हमारा वी आर, ये देखिए। और ये इसके लेंस हैं, इनके ऊपर लेमिनेशन लगा हुआ है, एक रैपर लगा हुआ है। और ओके गाइस, इसको हम इजीली ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे इंडेंट दिए गए हैं, यहाँ से इनका क्या फ़ायदा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, दोनों साइड से ये खाली होल छोड़ गए हैं। इसको आपने यहाँ से पकड़ना है और इसको हल्का सा प्रेस करें। ये मैग्नेट है, ये देखें, ये मैग्नेट है, और इसके अंदर आप अपना मोबाइल रखेंगे। ये देखें, ये देखें, ये फिटिंग के लिए हैं। और वो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको टिप्स दिखाई थी, अगर आपका मोबाइल फिट नहीं आ रहा, ज़्यादा ही छोटा है, तो वो टिप्स यहाँ पर लगेंगी, ये देखें, इस हिस्से में लगेंगी। एक यहाँ पे लगा दें, एक यहाँ पे लगा दें, तो वो थोड़ा सा ये जो विड्थ है ये कम हो जाएगी और आपका मोबाइल इजीली फिट हो सकेगा। और ये लेंस यहाँ से भी नज़र आएंगे, ये देखें। इस यहाँ पे मोबाइल लग जाएगा, इसको बंद कीजिए। और इसका ये भी फ़ायदा है कि अगर आपको वीडियो बनाना चाहते हैं या आप लाइव देखना चाहते हैं, तो इसको कवर को, ये देखें, यहाँ से पकड़ के ये उतर जाते हैं, ईजिली रिमूव हो जाते हैं। जब आपका मोबाइल इसके अंदर होगा तो यहाँ से ये कैमरा लेंस के लिए होल खाली छोड़ा होगा। ये किस लिए थे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जब आप मोबाइल इसमें रखते हैं, यहाँ पे रखेंगे, तो मेन जो मोबाइल का जो होगा ईयर स्पीकर और हेडफोन वाली साइड इस साइड पे आएगी। तो अब जब आप बंद करेंगे तो यहाँ से इस चीज़ पे आप हेडफोन जैक लगा सकते हैं। यहाँ पे पीछे वाली साइड से आप इसको चार्जिंग केबल लगा सकते हैं। वैसे मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप
वी आर वॉच करते वक्त, मूवीज़ वॉच करते वक्त वी आर ग्लासेस में चार्जिंग पोर्ट लगाएं, क्योंकि वैसे भी मोबाइल बहुत हीट हो जाता है, तो इसकी वजह से और हीट हो जाएगा। अब ये क्या बटन दिए गए हैं ये भी मैं बता देता हूँ। ये देखें, जब आप मूवी देख रहे होंगे तो आप ये जब इसको प्रेस करेंगे तो स्क्रीन दूर होती जाएगी, मतलब डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। अब ये आप स्ट्रैप है ये हेड पे पहनेंगे। अब एक ये बटन दिया गया है, इसका मैं आपको यूज़ बता देता हूँ। ये क्या करते हैं, ये लेंस के जो स्क्रीन है, अगर आपकी कुछ आगे पीछे सही फिटिंग से नहीं बैटरी, तो ये देखें, ये खुद ब खुद, ये देखें लेंस मूव कर रहे, ये देखें, ये उसको अच्छे से दिखा पाएगा मूवी को। अब ये मैंने परचेज़ किए हैं 3000 के, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये मैंने 3000 के परचेज़ किए हैं, और मेरे इनको थर्ड जनरेशन कहा गया है। मेरे पास सेकंड जनरेशन के भी पड़े हुए हैं, ये देखें, ये मेरे पास सेकंड जनरेशन के पड़े हुए हैं जो मैंने परचेज़ किए थे 4000 के। अब आप हैरान हो रहेंगे, थर्ड जनरेशन ज़्यादा अच्छे लेंस वाले 3000 के हैं और ये 4000 के हैं। तो अब बता देता हूँ कि क्यों मैंने बाइट से परचेज़ किए हैं। अगर आप फेसबुक पे हैं, फेसबुक पर ये वाले, ये इस ब्रांड के सेकंड जनरेशन के बहुत से सेल हो रहे हैं, इनकी प्राइस 4000 है, 5000 है, तो ये बिल्कुल लूट रहे हैं। एक्चुअल प्राइस इसकी $15 है, जो कि 1500 रुपये है, मैंने अपने फ्रेंड को ईबे से परचेज़ करके दिए हैं। तो ये भी अच्छी चीज़ है, अगर आपको $15 या 1500 के कहीं से मिल रहे हैं, यहाँ पे मोबाइल रखें। ये इसके लेंस हैं, देखिए लेंस सिंपल लेंस है, ये देखिए बिल्कुल सिंपल लेंस है। ऐसा नहीं है कि इनकी क्वालिटी बुरी है, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, लेकिन प्राइस वाइज अगर आप 4000 इस पर खर्च करना चाह रहे हैं, तो 3000 आप इस पर खर्च करके तो एक अच्छी चीज़ लीजिए। अगर आपको कहीं से $15 1500 रुपये में ये मिल रहे हैं, तो ज़रूर परचेज़ कीजिए। अब बाइट्स वाले, ये वाली सेम चीज़ मैं अगर ईबे से परचेज़ करता हूँ, ईबे एक इंटरनेशनल सेलिंग पॉइंट है, जिसमें चाइना, यूनाइटेड स्टेट और डिफरेंट कंट्रीज़ के सेलर्स आके चीज़ें आपको बेचते हैं, और मैं उनसे परचेज़ कर लेता हूँ। तो वहाँ पे इसकी प्राइस $28 थी, मतलब पाकिस्तानी 2800 रुपया। तो वहाँ से आने में तकरीबन 15 से 20 दिन, और 20 दिन से कई दफ़ा 30 दिन लग जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे बाइट स्टोर पीके को 3000 देना मुनासिब समझा है, कि इनका मार्जिन प्रॉफिट बहुत ही मुनासिब है, रीज़नेबल है। तो उन लूटर्स को जो ये सेकंड जनरेशन के 5000 और 4000 के सेल कर रहे हैं, तो इनसे ना लीजिए ये बिल्कुल। अगर आपको ये 1500-1700 में मिल रहे हैं तो लीजिए, अदरवाइज़ इसको छोड़ के ये वाले परचेज़ कीजिए, ये ज़्यादा बेस्ट है। और इसमें मोबाइल कैसे रखते हैं ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए गाइज, इसमें मोबाइल फिट करके देखते हैं। ओके, हमारे पास G2 है, इसको ओपन किया इजीली यहाँ से, और ये मोबाइल के फ्रंट साइड है, ऊपर हेड वाली साइड, और ये नीचे है बॉटम चार्जिंग पोर्ट। इसको इजीली आप यहाँ पे रखें, एक मिनट मैं जूम कर लेता हूँ, आपको इजी हो जाएगा देखने में। ये देखिए यहाँ पे रखा मोबाइल को, और ये देखिए ये इजीली फिट हो गया, ये अब कहीं नहीं जाएगा। ये देखिए, और एक ज़रूरी बात गाइज, इसमें अगर आप मूवी ऐड करते हैं, मूवीज आपके मोबाइल में है, तो MX प्लेयर पर कभी मत चलाइएगा, क्योंकि अच्छे से व्यू नहीं आएगा, धुंधली धुंधली तस्वीर आएगी, क्योंकि ये MX प्लेयर इन ग्लासेस के लिए बना ही नहीं है। तो अगर आपने कोई गेम प्ले करनी है या वीडियो प्ले करनी है, तो आपको प्ले स्टोर में से जाकर VR एप्स करने पड़ेंगे। अगर आपने वीडियो प्ले करनी है तो सिनेमा व्यू देखना चाहते हैं, हाँ जी ये भी बता देता हूँ कि ये हमने क्यों लिया। इसका ये फ़ायदा होता है कि अगर आप बड़ी स्क्रीन पे मूवी देखना चाहते हैं, तो ये परचेज़ कीजिए। इसमें 100 इंच की स्क्रीन तक
आपको वीडियो नज़र आएगी। ऐसा नहीं है कि ये फेंक रहा हूँ मैं, ऐसा ही है क्योंकि मैं सेकेंड जनरेशन वाली यूज़ कर चुका हूँ। तो जब मैं उसमें मूवी देखता था तो वाकई वो 100 इंच से 150 इंच तक की स्क्रीन नज़र आती थी। तो और हाँ, एक यूज़र ने पूछा था कि वीडियो क्वालिटी कैसी है। तो गाइस, जैसी आपकी वीडियो की मोबाइल में क्वालिटी होगी, इन लेंस में भी वैसी ही नज़र आएगी। अगर 1080p की वीडियो है तो 1080p रेजोल्यूशन ही इन ग्लासेस में शो होगी। तो चलिए, वाईफाई से हमने कनेक्ट किया, मैं दिखा देता हूँ आपको कि कौन कौन से ऐप कंपेटिबल होते हैं। आज प्ले स्टोर को थोड़ा सा दौरा पड़ा हुआ है तो ये ओपन पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। ओपन होता है तो गाइज मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। ओके गाइज, हमारा प्ले स्टोर वर्क करना शुरू हो गया है और यहाँ पे लिखें आप VR। यहाँ पे देखिए VR लिखा, गेम्स भी आ गई हैं, सिनेमा भी आ गया। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो सिनेमा पर क्लिक कीजिए। और ये देखिए VR सिनेमा आ गया, सबसे बेस्ट इस टाइम। ये दो फर्स्ट पे जो दो हैं यही जा रहे हैं, तो ये VR सिनेमा करते हैं और इसको ओपन कीजिएगा आप। ओपन करने के बाद आपकी जो जो आपके मोबाइल में मूवी होगी उसको सेलेक्ट करके प्ले कीजिए। ये ऐप है 27 MB का। तो अगर आपने वीडियो प्ले करना चाहते हैं तो VR सिनेमा यूज़ कीजिए। तो फिर आपको 100 से 150 इंच तक की स्क्रीन नज़र आएगी। और ये देखिए, यहाँ से ये मोबाइल को ये देखिए ये बंद हो जाएगा इसी तरह। ये बंद हो गया, ये देखिए। अब मैं अच्छे से आपको दिखा तो नहीं पाऊंगा। ओके गाइस, चलिए अब आपको हैंडफील लगा के दिखा देते हैं। हैंडफील लगाना कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको जस्ट ओपन कीजिए। यहाँ से ये देखिए, ये हैंडफील लेके यहाँ पे जैक लगा होगा। आ जाए भाई, ये देखिए। ओ सॉरी, इसका जैक बॉटम पर है। तो पहले आप इसको निकालिए मोबाइल को बाहर, फिर आप कर सकते हैं इजीली। ये देखिए मोबाइल निकल आया। अब इसको रखते हैं थोड़ा सा साइड पे। ये लगा दी हमने इसके अंदर हैंड फ्री, और अब दोबारा लगा देते हैं। ये देखिए, इसी तरह चार्जिंग पोर्ट के लिए भी है, लेकिन आप हो सके तो रेकमेंड नहीं कर रहा कि चार्जिंग पर लगाकर आप मूवी देखिए। और कोई क्वेश्चंस होंगे तो गाइस प्लीज़ कमेंट में आप पोस्ट कर सकते हैं। अगर आप ये VR लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। मुझे फ़िलहाल इसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिला, लेकिन आपको 5% डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप दिए गए लिंक से साइन अप करते हैं। और ये जो 5% डिस्काउंट है ये खाली VR वर्चुअल रियलिटी के लिए ही अवेलेबल नहीं, बल्कि ये बाइट स्टोर पीके पे जितनी भी प्रोडक्ट हैं उन सब के लिए अवेलेबल है। आप चाहे तो किसी भी प्रोडक्ट के लिए वो 5% जो हैं वो किसी पर भी आप खर्च कर सकते हैं। गाइज, ये स्टार्टिंग में हमें एक ये रबर टिप्स मिली थी जिनके बारे में मैंने बताया था कि अगर आपको मोबाइल इसमें फिट नहीं हो रहा, लूज़ आ रहा है, तो आप इजीली इस पे ये टिप्स लगाकर मोबाइल को फिट कर सकते हैं। अगर आपको इसका एक और यूज़ भी है, अगर आपको डर हो कि आपके मोबाइल को स्क्रैच आ जाएंगे इसमें रखने की वजह से, तो भी आप ये टिप्स, रबर की टिप्स हैं फोम टाइप, तो ये आप लगा सकते हैं कि ताकि अगर आपको डर है कि आपके ये मोबाइल मोबाइल की साइड्स पर स्क्रैचेस ना आ जाएं, बल्कि आएंगे तो नहीं, अगर आपको फिर भी डर है तो आप ये टिप्स लगा सकते हैं, ये रबर टिप्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर।